नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तो इसरो ने चांद की नई वीडियो शेयर की है। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर ट्वीट कर शेयर किया है एक नया वीडियो। लैंडर इमेजर कैमरे से कैप्चर की गई हैं तस्वीरें। टच डाउन से ठीक पहले हुई है चंद्रमा की ये वीडियो कैप्चर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर लैंडर इमेजर कैमरे से कैप्चर किया गया है ये वीडियो। साथ ही बता दें कि टच डाउन से ठीक पहले ये वीडियो कैप्चर किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर इसरो ने चांद की नई वीडियो शेयर की है और साथ ही ट्वीट कर शेयर किया गया है ये वीडियो। और इसी के साथ ये भी बता दें कि लैंडर इमेजर कैमरे से कैप्चर की गई है ये तस्वीरें। साथ ही टच डाउन से ठीक पहले हुई चंद्रमा की ये वीडियो कैप्चर। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर इसरो ने अब एक नया वीडियो शेयर किया है। इसरो ने चांद का एक नया वीडियो शेयर किया है, ट्वीट कर ये वीडियो शेयर किया गया है। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि लैंडर इमेजर कैमरे से कैप्चर की गई है ये तस्वीरें और साथ ही टच डाउन से ठीक पहले हुई है चंद्रमा की ये वीडियो कैप्चर। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। और रुक करते एक और बड़ी खबर का, कारगिल में बोले हैं राहुल गांधी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर देश भर में अल्पसंख्यकों को बनाया जा रहा है निशाना। राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया है। आज राहुल के लद्दाख दौरे का आखिरी दिन है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि आज लद्दाख दौरे का राहुल का आखिरी दिन है और इस दौरान उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए अल्पसंख्यकों को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। कारगिल में बोले हैं राहुल गांधी, जहां पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया है। देश भर में अल्पसंख्यकों को बनाया जा रहा है निशाना। इसी के साथ कहा है कि राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए ये बयान दिया है और राहुल गांधी के लद्दाख दौरे का आज आखिरी दिन है। तो कारगिल में बोले हैं राहुल गांधी। आपको बड़ी खबर बता रहे, जहां पर राहुल गांधी के दौरे का आज आखिरी दिन है। इस दौरान उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया, अल्पसंख्यकों को लेकर भी बयान दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो राहुल गांधी के दौरे का आज आखिरी दिन है। और इसी खबर पर जम्मू से मेरे सहयोगी विकास मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। विकास, आज राहुल गांधी के दौरे का आखिरी दिन है, उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया और खास करके अल्पसंख्यकों को लेकर बड़ा बयान दिया है राहुल गांधी ने। जी बिल्कुल, कल वो वहां पर कारगिल में, लद्दाख से कारगिल पहुंचे मोटरसाइकिल पर ही, दोपहर को वहां पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने वहां पर जनसभा को संबोधित किया। वहां पर उन्होंने ये भी कहा कि यहां पर जब से भाजपा की सरकार आई है अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से लगातार लग रहा है सबको कांग्रेस का डाउनफॉल है, ये डाउनफॉल नहीं है, क्योंकि अभी फिलहाल में ही हम कर्नाटक और हिमाचल में चुनाव जीत के और आने वाले समय में जो चार अन्य राज्यों में चुनाव है उसमें भी हम दिखा देंगे और 2024 के इलेक्शन में भाजपा को कांग्रेस के पास फिर से हराएगी। और शाम को उन्होंने वहां पर एक घंटा युवाओं से भी बात की। कारगिल का दौरा कई मायनों में अहम है, क्योंकि आने वाले समय में जब जम्मू कश्मीर लद्दाख में चुनाव होने जा रहे हैं, तो ऐसे में कांग्रेस को अपनी साख बचाने के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जीत हासिल करनी होगी, ताकि इस इलाकों में भी काफी देर से कांग्रेस जो है वो खाली जा रही है। अब यहाँ पे भी वो इलेक्शन जीत के अपना, जिस तरह से कर्नाटक और हिमाचल में सरकार बनाई, वो चाहते हैं कि यहाँ पर अपनी सरकार जो है कायम करें। जी विकास, इससे पहले भी चीन को लेकर भी उन्होंने बयान दिया था, कहा था कि जो चीनी सेना है वो लद्दाख में आ चुकी है, लेकिन इसको लेकर जो सरकार है वो इसको छुपा रही है, इसको सामने नहीं लेकर आ रही, और अब अल्पसंख्यकों को लेकर इस तरीके का बयान। देखिए, कहीं ना कहीं ये सीधा सीधा भाजपा को निशाना किया जा रहा है, क्योंकि भाजपा लगातार जिस तरह से कह रही थी कि हमारी जो सीमाएं हैं वो सुरक्षित है चीन, हालांकि चीन के साथ हमारी कई बार आमना सामना हुआ है लद्दाख एरिया में, सियाचिन की बात करें या जहां कारगिल की बात करें वहां बात करें, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी सीमाएं जो है सुरक्षित है। हालांकि इसमें एक अलग तबके का विरोधाभास भी है, जिसको लगातार कांग्रेस कह रही है कि वहां पर काफी ऐसा एरिया है जिसको चीन ने हड़प लिया है
और उसके अलावा जो वहां की जमीनी स्थिति है वो उस तरह की नहीं है जिस तरह से केंद्र सरकार लगातार बता रही है। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको लगातार कांग्रेस मुद्दा बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है ताकि जम्मू कश्मीर में और बाकी स्टेट्स में भी जैसे जैसे इलेक्शन आ रहे हैं तो जिस तरह से लगातार देशभक्ति की बात देश की बात भाजपा करती है अब कहीं ना कहीं कांग्रेस भी उसी राह पे चलने की कोशिश कर रही है। इसी मायने में ये लद्दाख और आज ये शाम को श्रीनगर जाएंगे जहां पर ये दो दिन रुकेंगे, वहां पर इनके साथ प्रियंका गांधी भी होंगी और उसके अलावा सोनिया गांधी भी होंगी। तो कई मायनों में इसके अर्थ निकाले जा रहे हैं कि वो एक बार फिर से जम्मू कश्मीर लद्दाख में जो उनकी खोई हुई सियासत है उसको वापिस पाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल विकास, अक्सर देखा है कि बीजेपी नेशनल के जो मुद्दे होते हैं वो विस्तार पूर्वक उठाती है चुनावों के दौरान, लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी बार बार बयान आता है कि हम स्थानीय मुद्दों को इस दौरान उठाते हैं। तो क्या ये लगता है कि इस बार जिस तरीके से लद्दाख सीमा पर पहुंचे हैं राहुल गांधी तो इस दौरान नेशनल हो या इंटरनेशनल हो या फिर स्थानीय मुद्दे हो सबको लेकर घेरने की कोशिश कर रही है कांग्रेस? जी बिल्कुल, पिछले काफी सालों से कांग्रेस यहाँ पर बैकफुट में चल रही थी क्योंकि यहाँ पर इनके जो राजनीतिक दल के जो लोग हैं नेता हैं उनमें ही आपस में विरोधाभास था, लेकिन अब एक बार फिर से जब से ये भारत जोड़ो यात्रा हुई है इसके बाद से कांग्रेस एक बार फिर से एकजुट हुई है और अब जिस तरह से लगातार ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं चाहे वो जम्मू कश्मीर के हों या लद्दाख के हों उनको लेकर कहीं ना कहीं ये उन्हीं चीजों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ देर के लिए भाजपा इन चीजों पे सोच नहीं पा रही थी। अब स्थानीय मुद्दे जो हैं बहुत अहम माने जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि जम्मू में इस वक्त एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा है टोल का जिसको लेकर लगातार यहाँ पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको भी कांग्रेस जो अब काफी ज्यादा आगे आई है उसमें लोगों के साथ जुड़ी है। तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की राजनीति में लग रहा है कि कांग्रेस अब वापसी करने की कोशिश कर रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विकास हमारे साथ जुड़ने के लिए विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। और रुक करते एक और बड़ी खबर का अयोध्या से बड़ी खबर जहां पर अयोध्या में राम मंदिर समिति की बैठक आज होगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को दी गई दो दिवसीय ये बैठक होगी जहां पर आपको बता दें कि राम मंदिर के निर्माण कार्यों की प्रगति बैठक का उद्देश्य है। अगले साल जनवरी में हो सकता है मंदिर का उद्घाटन और अब इसी को लेकर एक बार फिर से बैठक होगी, दो दिवसीय ये बैठक होगी, अगले साल जनवरी में हो सकता है राम मंदिर का उद्घाटन। तो बड़ी खबर आपको बता रहे जहां पर बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर समिति की आज बैठक होगी और इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की जाएगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की दो दिवसीय ये बैठक है, राम मंदिर के निर्माण कार्यों की प्रगति बैठक का उद्देश्य है, अगले साल जनवरी में हो सकता है मंदिर का उद्घाटन। तो बड़ी खबर आपको बता रहे जहां पर अयोध्या से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, राम मंदिर समिति की आज बैठक होगी और ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की दो दिवसीय ये बैठक है राम मंदिर के निर्माण कार्यों के प्रति इस दौरान और उसकी प्रगति को लेकर भी बैठक में चर्चा होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अमित मेरे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, आज बैठक होनी है, दो दिवसीय ये बैठक है, कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहने वाले हैं राम मंदिर को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि इस समय जो है प्रधानमंत्री मोदी जो है 2024 जनवरी में आखिरी सप्ताह में आ रहे हैं, उसको लेकर जो है को लेकर ट्रस्ट की तरफ से जो है जिला प्रशासन की तरफ से बैठक शुरू हो गई और आज जो है नितिन मिश्रा जी हैं जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा भी किस रोड पे क्या व्यवस्थाएं होनी है, किस तरह से पद प्रतिष्ठा में क्या क्या कार्य होने हैं, इसको लेकर इस बैठक में बात होगी। थी निर्माण कार्य की अगर बात की जाए तो अभी तक कहां तक कार्य पहुंच पाया है क्योंकि 2024 की समय जो इस दौरान समय रखा गया है तो कितना निर्माण कार्य वहां पर शेष बचा है और कितना हो चुका है अमित? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि लगभग जो है 70-80% काम हो चुका और लगातार जो है राम मंदिर का कार्य रात दिन चल रहा है जिसको लेकर ट्रस्ट के लोग भी और जो वहाँ के जो इलेक्टेड जिम्मेदार अधिकारी है वो भी लगातार जो है काम को गति पहुंचाने के लिए कार्य कर रहे थे। अमित, जिस तरीके से बैठक होगी, दो दिवसीय बैठक है तो जाहिर सी बात है वहां पर बड़े बड़े जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा होगी, तो क्या जो सूची तैयार की जाएगी कौन कौन इस दौरान शामिल होगा उन सबके भी नामों पर क्या चर्चा हो सकती है? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी के बाद जो है बड़े जो लोग हैं जो आमंत्रित किए जाना है उनको भी चर्चा होगी क्योंकि
पीएमओ को जो है आमंत्रण पत्र भेजा जा चुका है। अब उधर पीएमओ की तरफ से मोहर लगेगी कि पीएम कब आएंगे, किस तरह से आएंगे और क्या तारीख होगी, उनकी तरफ से निर्धारित किया जाएगा। इसके साथ साथ जो बैठक होनी वो भी एक अहम बैठक होनी है, जिसको लेकर पीएम मोदी भी और जो भीड़ भाड़ है लगभग 10 लाख के आसपास जो है उस समय श्रद्धालु होने की उम्मीद जताई जा रही है। रूद्र आवर्जन है, किस तरह से किसको क्या करना है, कहाँ से लाना है, भीड़ को किस तरह से कंट्रोल करना है, कौन से रूद्र आवर्जन करने हैं, इसको लेकर भी चर्चाएं होंगी। और साथ ही राम मंदिर का कितना कार्य अब तक हुआ है और कितना होना है और किस गति से इसको पूरा किया जाना है, जिससे जो जनवरी माह तक किस कार्य को पूरा कर लिया जाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। और रुक करते एक और बड़ी खबर का, जहां पर मणिशंकर अय्यर पर पीवी नरसिम्हा राव के पोते का पलटवार सामने आया, जहां पर अपने ही नेताओं को बदनाम करना कांग्रेस की संस्कृति है ये कहा गया है। निधन के बाद नेताओं को करते हैं बदनाम, नरसिम्हा राव के पोते हैं एन बी सुभाष। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आपको बता दें कि एक बार फिर से उन्होंने पलटवार किया और साथ ही कहा है कि कांग्रेस की संस्कृति है कि वो अपने ही नेताओं को बदनाम करती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर मणिशंकर अय्यर पर पीवी नरसिम्हा राव के पोते का पलटवार सामने आया है, अपने ही नेताओं को बदनाम करना कांग्रेस की संस्कृति है, निधन के बाद नेताओं को करते हैं बदनाम। और इसी के साथ नरसिम्हा राव के पोते हैं एन वी सुभाष, जिनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अपने ही नेताओं को बदनाम करती है। मणिशंकर अय्यर पर पीवी नरसिम्हा राव के पोते का पलटवार सामने आया है। और रुक करते एक और बड़ी खबर का, यूपी से बड़ी खबर, जहां पर यूपी में फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रेड शो का होगा आयोजन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, योगी सरकार इंटरनेशनल ट्रेड शो का करेगी आयोजन, आगामी 21 से 25 सितंबर तक इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट के विशाल परिसर में ये आयोजन होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर योगी सरकार इंटरनेशनल ट्रेड शो का करेगी आयोजन और आने वाले 21 से 25 सितंबर तक इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में विशाल परिसर में ये कार्यक्रम का आयोजन होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर यूपी में फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन होगा और साथ ही योगी सरकार इंटरनेशनल ट्रेड शो का करेगी आयोजन और जहां पर आने वाले 21 से 25 सितंबर तक ये कार्यक्रम चलेगा और इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में इस दौरान विशाल परिसर में इसका आयोजन किया जाएगा। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लखनऊ से, जहां पर यूपी में फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रेड शो का होगा आयोजन, योगी सरकार इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन करेगी और साथ ही 21 से 25 सितंबर तक होगा कार्यक्रम का आयोजन। इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में के विशाल परिसर में भी आयोजन होगा। और रुक करते एक और बड़ी खबर का, गंगा एक्सप्रेस वे को जल्द पूरा करने के लिए मॉनिटरिंग की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर यूपी डिफेंस कॉरिडोर परियोजना में तेजी लाने का भी प्रयास किया जा रहा है। गंगा एक्सप्रेस वे से जुड़ी परियोजनाओं को लेकर प्रयास जारी है, परियोजनाओं को तेजी से धरातल पर उतारने का प्रयास जारी है, प्रक्रियाओं को धरातल पर उतारने की कार्रवाई भी शुरू है। भूमि खरीद के लिए भी आवंटित धनराशि में 10 करोड़ दिए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आपको बता दें कि भूमि खरीद के लिए आवंटित धनराशि में 10 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि गंगा एक्सप्रेसवे को जल्द पूरा करने के लिए मॉनिटरिंग जारी है। यूपी डिफेंस कॉरिडोर परियोजना में तेजी लाने का प्रयास है और गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ी परियोजनाओं को लेकर प्रयास जारी है और साथ ही परियोजनाओं में तेजी से धरातल पर उतारने का भी प्रयास है। और रुक करते एक और बड़ी खबर का, जहां पर पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह के ड्राइवर पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। आरपीएफ ने अज्ञात वाहन के ड्राइवर पर एफआईआर दर्ज की है। रेलवे एक्ट की धारा 159 में दर्ज की गई है। ये एफआईआर एक्सीलेटर के पास गाड़ी ले जाने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि एक्सीलेटर के पास गाड़ी ले जाने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। तो बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह के ड्राइवर पर एफआईआर दर्ज की गई है। आरपीएफ ने अज्ञात वाहन के ड्राइवर पर एफआईआर दर्ज की है, साथ ही रेलवे एक्ट की धारा 159 में दर्ज की गई है। एफआईआर एक्सीलेटर के पास गाड़ी ले जाने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि बीते 2 दिन पहले ही धर्मपाल सिंह को ट्रेन से कहीं पर जाना था, यानी कि उन्हें लखनऊ से बरेली जाना था और इस दौरान जल्दबाजी में उनके ड्राइवर ने एक्सीलेटर पर ही गाड़ी इस दौरान पहुंचा दी, जहां पर अब विभाग की तरफ से
इस पर कार्रवाई की गई है और ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हम लोग मान्य अखिलेश जी यादव की तरह काफिला लेकर, मेरी एक गाड़ी थी, ड्राइवर था मेरा पीएसओ, अत्यधिक जोर की बरसात हो रही थी, एक्सीलेटर तक गाड़ी पहुंची, मैं ऊपर उठ के चला गया, ड्राइवर गाड़ी लेकर हो गया, और ना तो प्लेटफार्म पर कोई गाड़ी गई थी, ना किसी को पकड़ाई थी, बस तो एक्सीलेटर के माध्यम से हम ट्रेन पकड़कर तब ट्रेन पर चढ़कर आए हैं। हम माने अखिलेश यादव की तरह नहीं ऐसा कोई काम करते हैं जिस तरीके से उन्होंने ये ट्वीट किया है। हम लोग तो सामान्य स्तर पर चलते हैं और मैं एक किसान का बेटा हूँ, उसी तरीके से क्या माना जाए कि जिस जो लोग सोने की कर्मच मुंह में देकर पैदा होते हैं वो गरीब का दर्द नहीं आए, वो सामान्य आदमी की पीड़ा नहीं समझते, क्योंकि वो सामान्य तरीके से ट्रेन में चले गए, वो हवाई जहाज से चलते हैं, उनके हेलीकॉप्टर भी हो सकते हैं, तो वो इसका दर्द नहीं जानेंगे। उन्हें तो यही ट्वीट करना ठीक लगा है, मैं समझता हूँ कि उन्होंने ठीक नहीं कहा है, हम लोग सामान्य करते हैं और ट्रेन से ही चलते हैं, तो काफी लोग नहीं। उन्होंने ट्वीट में बुलडोजर का नाम लिया, इससे क्या लगता है बुलडोजर को क्यों उन्होंने शामिल किया? मुझे लगता है कि बुलडोजर से वो घबरा गए हैं, क्योंकि जितने भी अपराधी हैं उनके चित्र इन अपराधियों के साथ पाए जाते हैं, इसलिए। और उन पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी गरीबों की जमीन जिन्होंने कब्जा कर उन पर अपने कब्जा कर बिल्डिंग खड़ी कर ली और उन बिल्डिंगों को बुलडोजर गिराने का काम कर रहा है, और माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश उन जमीनों को गरीबों को आवंटित करके फ्री में उनके मकान बनाने का काम कर रहे हैं, इसलिए माननीय अखिलेश यादव जी को माननीय योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर स्वप्न में भी दिख रहा है। चले रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का, लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना के 5 साल पूरे हो चुके हैं। सचिव ने किया है 5 साल पूरे होने का कार्यक्रम का आयोजन, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कार्यक्रम में हुए हैं शामिल। सरकारी योजना से 24 लाख लोगों को इलाज में मिली है मदद, 3500 अस्पताल आयुष्मान योजना में किए गए थे शामिल, होटल फॉर्चून बीबीडी लखनऊ में हुआ है भव्य कार्यक्रम। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर 3500 अस्पताल आयुष्मान योजना में शामिल किए गए हैं, और साथ ही आपको बता दें कि बीबीडी लखनऊ में ये भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे लखनऊ से, जहां पर आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना के 5 साल पूरे हो चुके हैं। सचिव ने किया है 5 साल पूरे होने के कार्यक्रम का आयोजन, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि सरकारी योजना से 24 लाख लोगों को इलाज में मदद मिली है, और साथ ही 3500 अस्पताल आयुष्मान योजना में किए गए थे शामिल, जहां पर होटल फॉर्चून बीबीडी लखनऊ में हुआ है भव्य कार्यक्रम। चले रुक करते एक और बड़ी खबर का, लखनऊ से ही दूसरी बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आज का कार्यक्रम, झांसी में प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम में होंगे शामिल, जहां पर 1 बजे सुदर्शन गार्डन बालाजी रोड झांसी में कार्यक्रम आयोजित किया गया है, 2 बजे सामाजिक समरसता सम्मेलन में भी शामिल होंगे, बीजेपी जिला कार्यालय जिला झांसी में ये कार्यक्रम होगा, साथ ही फुटबॉल प्रतियोगिता के समापन कार्यक्रम में भी जाएंगे, शाम 6 बजे दिलकुशा गार्डन कैंट लखनऊ में भी कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे जहां पर आज ब्रजेश पाठक का कार्यक्रम रहेगा, और इस दौरान कई ऐसी जगहों पर जाएंगे जहां पर अलग अलग जगहों पर ये कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बता दें कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आज का कार्यक्रम है, और साथ ही आपको उनका शेड्यूल बताते हैं, झांसी में प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे, और साथ ही 1 बजे सुदर्शन गार्डन बालाजी रोड झांसी में भी कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे, 2 बजे सामाजिक समरसता सम्मेलन में भी शामिल होंगे, और इसके बाद बीजेपी जिला कार्यालय जिला झांसी में भी कार्यक्रम जो आयोजित होगा उसमें भी जाएंगे, फुटबॉल प्रतियोगिता के समापन कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे ब्रजेश पाठक। रुक करते एक और बड़ी खबर का उत्तराखंड से, बड़ी खबर जहां पर पागल नाला बंद होने से हेलंग में भी रोके गए हैं वाहन, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर उत्तराखंड में लगातार बारिश का कहर जारी है, ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे 4 दिन बाद खुला है, प्रदेश भर में आज भारी बारिश की आशंका भी जताई जा रही है, कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी है, हाईवे को खोलने का काम भी लगातार जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे जहां पर बता दें कि उत्तराखंड में जिस तरीके से बारिश हो रही है, जगह जगह पर भूस्खलन जैसी भी खबरें निकलकर सामने आ रही है,
रही है, इसी के साथ में बाढ़ जैसे हालात भी वहां पर बने हुए हैं क्योंकि बारिश की वजह से लगातार नदियां उफान पर है और उत्तराखंड में पागल नाला बंद होने से इस दौरान परेशानी हो रही है। ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे 4 दिन के बाद खुला है। प्रदेश भर में आज भारी बारिश की भी आशंका जताई जा रही है। रुक करते एक और बड़ी खबर का, जहां पर लालू यादव की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर सीबीआई की जमानत याचिका रद्द करने की मांग पर आज सुनवाई होगी। जस्टिस बोपन्ना एमएम सुंदरेश की बेंच जो है वो सुनवाई करेगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आपको बता दें कि आज लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। इसी के साथ सीबीआई की जमानत याचिका रद्द करने की मांग पर आज सुनवाई है। जस्टिस बोपन्ना एमएम सुंदरेश की बेंच आज सुनवाई करेगी। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। रुक करते एक और बड़ी खबर का, जहां पर प्रदेश सरकार ने उठाए हैं अहम कदम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए अहम कदम उठाए गए हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया है ऑनलाइन उद्घाटन। अस्पताल में ओपीडी से लेकर लैब तक में भी कैमरे लगेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर प्रदेश भर में अब स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं। अस्पताल में ओपीडी से लेकर लैब तक कैमरे लगेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लखनऊ से, जहां पर बता दें कि प्रदेश सरकार ने उठाए हैं अहम कदम। और दौरान ये भी जानकारी आपको दे दें कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए ये अहम कदम उठाए गए हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया है ऑनलाइन उद्घाटन और अस्पताल में ओपीडी से लेकर लैब तक में कैमरे लगेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि प्रदेश सरकार ने अहम कदम उठाए हैं स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए ये अहम कदम उठाए गए हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया है ऑनलाइन उद्घाटन। और रुक करते एक और बड़ी खबर का, दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। दोषी अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। दोषियों के रिहा होने पर बोली है मधुमिता की बहन निधि शुक्ला ने रिहा का किया है विरोध। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आपको बता दें कि दोषियों के रिहा होने पर बोली है निधि शुक्ला ने और इस दौरान उनके रिहा का भी विरोध जताया है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बता दें कि दिल्ली से बड़ी खबर और इस दौरान आपको ये भी जानकारी दे दें कि निधि शुक्ला ने इस दौरान जो रिहा किए गए हैं उनका विरोध जताया है। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। दोषी अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की गई है। दोषियों के रिहा होने पर बोली है मधुमिता की बहन निधि शुक्ला ने रिहा का किया है विरोध। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और मेरे साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।